ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। या खुदा, अगर जोधा बेगम पर बुरी रूह का साया है तो उनका इस महल में रहना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अम्मी जान, हमें उन्हें फौरन कैद खाने में डाल देना चाहिए। नहीं रुकैया, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। वो रूह गुस्सा आने पर जोधा को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन हम जानते हैं कि क्या करना है। हमें इस मुश्किल का हल ढूंढना है और तब तक कोई भी जोधा बेगम से नहीं मिलेगा। हमने उनके होजरे के बाहर सिपाही तैनात कर दिए हैं, पर अगर कोई जोधा बेगम से मिलता भी है तो याद रहे तो उनसे इस तरह का बर्ताव किया जाए जैसे अब करते आ रहे, ताकि इस रूह को जरा सा भी शक ना हो। विजाजे शरीफ कैसा है शाबुद्दीन? आखिर मुझे इस तरह नजरबंद करके क्यों रखा गया है? क्या गुनाह है मेरा? ना कहीं आने दिया जा रहा है, ना कहीं किसी से बात करने दिया जा रहा है। आपको तकलीफ दी इसके लिए हम बहुत बहुत माफी चाहते हैं। क्या बात है? बात तो आपके करामात की है शाबुद्दीन साहब। खबर है कि आप शहजादे मुराद को शाशा सलीम के खिलाफ भड़का रहे हैं। शाशा सलीम को मारने की साजिश भी आपने करी। बकवास है। मैं मुगल सल्तनत का वफादार था, वफादार हूँ और वफादार रहूंगा। ऐसा मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता हूँ। अब आप दोनों देखिए, मैं आप दोनों की शिकायत शहंशाह से करूंगा। कहूंगा उनसे कि उनके एक वफादार पर आप लोगों ने इल्जाम लगाया है। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि तुमने शहजादे सलीम को मारने की साजिश रची थी। कोई सबूत नहीं है आपके पास। मैंने शहजादे सलीम को मारने के लिए मैदान जंग में किसी भी आदमी को नहीं भेजा था। हमने तो ऐसा कहा ही नहीं शाहबुद्दीन कि आपने किसी आदमी को भेजा था। हमने तो आगरा में किसी से नहीं कहा। शाशा पर वहां पर जानलेवा हमला हुआ था। खैर, अगर आपको पता नहीं तो हम बता देते हैं कि वो आदमी मरा नहीं, उसे हमने कैद किया है। बहुत दिनों तक उसने जबान नहीं खोली, लेकिन आखिर भूख प्यास के आगे वो टूट गया और उसने कल ही आपके बारे में हमें सब कुछ बता दिया। अब आप बताइए कि आपके साथ क्या किया जाए। मुझे माफ कर दीजिए खाने खाने, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया खाने खाना। मैंने ये सब शहजादे मुराद के कहने पे किया। हाँ, उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। यकीन कीजिए मुझ पर। साहब, कुचलने के बाद भी अपना जहर फेंकना नहीं छोड़ा। तुमने शहजादे मुराद को भड़काया, तुमने सब कुछ किया। मैं वादा करता हूँ कि मैं मुगल सल्तनत हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। मुझे मुगल सल्तनत में तो वैसे भी आपके लिए कोई जगह नहीं है शाहबुद्दीन। आगरा के बाहर काल कोठरी में से डाल दिया जाए, ना इसे दिन का पता चले ना रात का। वक्त आने पर इसका फैसला करेंगे। अभी ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। मगर अबू जान, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यकीन तो हमें भी नहीं है शेख को, लेकिन आप सबने खुद अपनी आंखों से देखा। लेकिन अब आप क्या करेंगे शेंच? हमें इस जादूगर योगी उदयनाथ को ढूंढना होगा, क्योंकि उन्होंने पहले जोधा बेगम के साथ मिलकर हमें लाभिनी और दमों के काले जादू से बचाया। हमें यकीन है कि वो जोधा बेगम को बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। इसलिए मैं फौरन के पास जाना होगा। ठीक है अबू जान, हम भी आपके साथ चलना चाहेंगे। नहीं शेख, आप शाह हैं बेटा। हम चाहते हैं कि हमारी गैर मौजूदगी में सब कुछ आप यहाँ संभालें। अपनी अम्मी जान का ख्याल रखें और सब लोगों का ख्याल रखें। और एक बात याद रहे कि कोई भी जोधा बेगम से नहीं मिलेगा। हम नहीं चाहते कि वो रूह हमारी जोधा बेगम को सरासर भी नुकसान पहुंचाए।
लगता है हमें शहाबुद्दीन के बारे में शहंशाह को इस वक्त नहीं बताना चाहिए। सही कह रहे हैं फजल साहब, वैसे भी शहाबुद्दीन इस हालत में नहीं कि कोई नुकसान पहुंचा सके। घबराइए नहीं हुजूर, ये हम हैं। हुजूर, उस वक्त हमें बहुत बुरा लगा था जब उस रूह ने आपको तमाचा मारा। खुदा का शुक्र मनाइए हुजूर कि उसने सिर्फ तमाचा मारा। अगर आपने ज्यादा बहस की होती तो हो सकता वो तमाचे की जगह आपका गला दबा देती। ये टोने टूट के बड़े खराब होते हैं हुजूर, ना जाने उन माँ बेटी की हमसे क्या दुश्मनी। माँ ने हमारे साथ टोटके करके आपके खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा बुलवाया, और बेटी ने जोधा बेगम में आके आपकी बेइज्जती की। तुम ठीक कह रहे हो होशियार, पहले तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब हम सब समझ गए हैं। उस दिन मीना बाजार में जलाल ने जिस तरह हमसे बर्ताव किया वो हमारे जलाल नहीं थे, वो उस माँ बेटी के टोटके का नतीजा था। और जो जोधा बेगम ने किया वो उस रूह के बस में आकर किया, वरना जोधा बेगम ऐसा कभी कर ही नहीं पाती। हम बस अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द जोधा बेगम उस बदरूह से आजाद हो जाए और सब कुछ बस पहले जैसा हो जाए। सलाम यो कहते ना जी। प्रणाम शहनशाह, स्वस्थ लग रहे हो। जोधा बेगम कैसी है? मैं समझ गया आप यहां क्यों आए हो। जोधा बेगम लाबोनी की आत्मा के प्रभाव में है। लेकिन आप तो उसे मार चुके थे ना। हाँ, परंतु आप भूल रहे हैं मरता केवल शरीर है, आत्मा नहीं। जिन आत्माओं की इच्छा अधूरी रह जाती है उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। लाबोनी के भीतर तो इच्छाएं और वासनाएं पड़ी पड़ी है, अतृप्त है। इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने जोधा बेगम के शरीर पर अधिकार किया है, और इच्छाएं भी पूरी होगी और प्रतिशोध भी। सबसे पापी हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। मुझसे जो मन पड़ेगा अवश्य करूंगा। प्रयास करूंगा कि लाबोनी जोधा बेगम के शरीर को छोड़ दे। उसके लिए आज रात को ही मुझे उस आत्मा को यहाँ बुलाना होगा। लेकिन जोधा बेगम तो महफूज होंगी ना, उन्हें तो कोई नुकसान नहीं होगा ना। प्रयास यही रहेगा, परंतु कुछ सावधानियां बरतनी होगी। आइए बैठिए। आज आप कहाँ थे साहिब आलम? आप हमसे मिलने क्यों नहीं आए? पता है कितना परेशान हो गए थे हम। और इस तरह से सन्नाटे में क्यों बैठे हैं आप? अनारकली एक बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। खुदा आपकी सारी मुश्किलात हमें दे दे। क्या हुआ आपको? या खुदा, बदरू की कहानियां तो बहुत सुनी है, मगर इस तरह से आसपास ऐसी चीज पहली बार दिख रहे हैं। अनारकली पता है, हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। जब हम हमारे रिश्ते के बारे में बात करने गए थे ना अम्मी जान से, मासा फौरन मान गई। उन्होंने अपनी भतीजी मान भाई उनको तक छोड़ने के लिए साफ बोल दिया। हमें तभी समझ जाना चाहिए था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये अम्मी जान नहीं बोल रही है, बल्कि अम्मी जान के जिस्म में कोई रूह बोल रही है। और पता है अम्मी जान ने क्या कहा? कि प्यार एक ऐसी चीज है कि अगर मर भी जाए तो मरने के बाद रूह बनकर उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें तभी समझ आना चाहिए था कि अम्मी जान इस तरह की बातें नहीं करती हैं। वो अम्मी जान के जिस्म का इस्तेमाल करके अपना कोई मकसद पूरा करना चाहती हैं। खुदा पर भरोसा रखिए, मल्लिका हिंद नेक है, कुछ नहीं होगा उन्हें। अनारकली, खुदा पर भरोसा है हमें, और हमारी भी यही दुआ है।
आप आ गए शहंशाह। कहाँ चले गए थे? सुबह से आपको देखा नहीं तो हमें बहुत चिंता हो गई थी। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी, अब आप आ गए ना तो अच्छा ही लग रहा है। सोच रहे थे जोधा बेगम कि एक अरसा हो गया है आपके साथ शतरंज खेले, तो क्यों ना शतरंज की एक एक बाजी हो जाए। जी बिल्कुल, अच्छा विचार है। आइए। नाची ने एक और बात अकीद की। मैं उस आत्मा का आह्वान करूंगा शहंशाह, उसे अपने पास आने पर विवश करूंगा। जोधा बेगम के अंदर बैठी लाबोनी की आत्मा उसे महल से बाहर लाएगी, और ध्यान रखिएगा उस समय उन्हें कोई ना रोके और ना ही कोई पीछा करे। अगर लाबोनी की आत्मा को संदेह हो गया कि यह एक चाल है तो वो बहुत बड़ी बर्बादी कर सकती है। हमें एक बात और समझ में आ गई कि जोधा बेगम का बर्ताव दिन में अलग होता है, रात में बिल्कुल अलग। रात में वो रूह ज्यादा ताकतवर हो जाती है, इसलिए कोई भी जोधा बेगम के पास नहीं जाएगा। ये उदयनाथ जी कब तक अपना काम करेंगे? अमी जान, वो आज रात ही अपना काम शुरू कर देंगे। इंशाल्लाह कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। आमीन, खुदा करे ऐसा ही हो। मगर अबू जान, हमारा मानना यह है कि मासा का इस तरह से अकेले जाना सही नहीं रहेगा। हम जानते हैं कि अपनी मासा को लेकर आप बहुत फिक्रमंद हैं, हमारे बच्चे हम भी हैं, लेकिन अगर उदयनाथ जी ने उन्हें अकेले वहां बुलाया है तो उसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। उदयनाथ जी बहुत आलिम हैं, आपकी अम्मी जान को बचाने का सिर्फ यही रास्ता है। हमें उम्मीद है कि वो आपकी अम्मी जान को बचा लेंगे।
नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं। जोधा बेगम की बहुत फिक्र हो रही है हमेशा, कहने कोई नुकसान ना हो। हौसला रखो जलाल, अल्लाह बड़ा कारसाज है, उन नेक इंसानों का इम्तिहान जरूर लेता है, उन्हें सजा नहीं देता। जब ठीक कह रहे हैं मीजा, अभी भी होगी उदयनाथ जी की बातों पर भरोसा करना होगा, जोधा बेगम का पीछा नहीं करना होगा। हे काम, जोधा की रक्षा करना। या मौला, जोधा बेगम पर रहम कर। ईश्वरी तय करता है लाभोनी, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उसके प्रयोग से इंसानों को तेरी जैसी दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाता हूं। आज बहुत ही पवित्र रात है, इसीलिए मैंने यह रात चुनी है तुझे बुलाने के लिए, क्योंकि आज की रात तू कमजोर है। तुझे अभी लाभोनी की ताकत का अंदाजा भी नहीं है। तेरा अंत हो चुका है और मैंने तुम्हारी माँ को भी मुक्त किया है। तू फिर लौट आई, चली जाए यहां से। नहीं, नहीं जाऊंगी मैं उसे लेकर जाऊंगी जिसे मैं चाहती हूँ, जलाल को, और मैं उससे भी बता लूंगी जिसने मुझे मारा है, जिसने मुझे और जलाल को एक नहीं होने दिया। और अच्छा ही हुआ कि तूने मुझे पुकारा, क्योंकि तूने ही जोधा की मदद की थी ना मुझे मारने में। आज मैं अपना बता लूंगी। मैं तेरी ये मंशा पूरी नहीं होने दूंगा लापुर, तुझे यह शरीर छोड़कर जाना ही होगा।
उदयनाथ जी, उदयनाथ जी हमें बचा लीजिए, हमारे शरीर को लाबोरी की आत्मा से बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए।